चलो भाई यूनियन बता देता ना को। देखो यूनियन का सीधा मतलब ये है कि जिस डाटा पे हम चर्चा कर रहे हैं अगर उसके सारे एलिमेंट्स में इंक्लूड कर दिए जाए वही आपका यूनियन है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसमें अगर हम सपोज करें एक सेट हमने ए ले लिया 1 2 3 ठीक है, एक सेट बी ले लिया 5 6 7 क्लियर है, नेचुरल नंबर है। इसके लिए अगर मैं यूनियन सेट की बात करूं तो क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 इनफाइनाइट क्लियर है। अब ये चीजें हम जो लिख रहे हैं ये एक तरह से रोस्टर मेथड पहले हो गया, एक न्यूमेरिकल रूप में लिख दिया हमने सेट ए सेट बी सेट, इसको हम एक डायग्राम से दिखा सकते हैं, इसे दिखा सकते हैं डायग्राम, हाँ डायग्राम से दिखा सकते हैं। जिसने इसकी रिसर्च की थी वो लॉजिस्टिक थे, यानी कि कह सकते हैं एक तार्किक विज्ञान के थे वो, जिनका नाम था वेन डायग्राम। क्या नाम था उनका, जॉन वेन, जॉन वेन था, उन्होंने इसकी रिसर्च की थी इसलिए इसके नाम पर बन गया था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या कहता है कि जो भी यूनियंस होगा सेट ऑफ यूनियन वो आपके रेक्टेंगल शेप में रखे हुए, रेक्टेंगल जो होगा पूरा पूरा जो कवर करेगा वो यूनियन होगी, और जो अदर सेट होंगे ठीक है जो हमारे अदर सेट होंगे वो सर्किल होंगे। क्लियर है, बहुत से क्वेश्चन आपके लिए प्रोबेबिलिटी के हो सेट थ्योरी के हो, थ्योरम मतलब सर रेक्टेंगल में रेक्टेंगल शेप में रखते हैं, आपने डायग्राम बने देखते हैं ना, यस सर देखिए तो ये जो सारी शेप है ये इसके पूरा अच्छा यूनिवर्सल यूनियन है, यो ये यहाँ यू लिखा मिला होगा ना इसका मतलब ये यूनियन है। और जब ये ए हाँ ये लिखा है हाँ यहाँ पे अगर मैं यूनियन में अगर वैसे इनका देखो 1 2 3 5 6 7 अगर 8 9 भी जोड़ दो एक ही यूनियन सेट दे दिया तो क्या होगा, ये अगर मैं ए मान लू ये बी मान लू, यस 1 2 3 तो इसमें आ गए, 5 6 7 आ गए। सर अब यू में क्या है, 8 9 भी है तो कहाँ से लिख दो, 8 यहाँ लिख दिया ना, हाँ यूनियन जो यूनिवर्सल सेट है, यूनियन नहीं यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट बन गया। ये जो यूनिवर्सल सेट है उसको कहें हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रेक्टेंगल से रेक्टेंगल, और जो बाकी सेट है उनको सर्किल। क्लियर सर्किल से है, इसका यूज कहाँ होगा, यहाँ तो यूज है ही है, इसका रीजनिंग में बहुत ज्यादा यूज है। अगर आप अगर कंपटीशन दोगे उसमें रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, अगर आप कभी आगे पढ़ोगे स्टेटमेंट असर्शन स्टेटमेंट के आते हैं वो इससे सॉल्व होते हैं, अगर इस पर आपकी पकड़ अच्छी है तो कुछ तो रीजनिंग के क्वेश्चन अपने आप कर लेते हो आप बिना किसी तैयारी के। ठीक है, अब इसमें आप अब करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अच्छा एक और तो मैं दो आपको कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट साइड डायग्राम हो गया ऑपरेशन ऑन सेट, इससे पहले आप ऑपरेशन ऑन सेट करें, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं पूरक लेकिन है, क्या होता है वो बताऊंगा भी आ रहा है, इससे पहले आप समझ लो ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट ऑपरेशन को अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो वो संक्रिया है, समुच्चय पर संक्रिया है। क्लियर है, सर वैसे आप टेस्ट भी लोगे मतलब टेस्ट लगते हैं जैसे यहाँ पे यहाँ जैसे आपका टॉपिक खत्म होगा उसके बाद टेस्ट होगा, वैसे तो शायद में डेली टेस्ट है लेकिन यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जैसे टॉपिक खत्म होगा तब तो हो ही होगा क्योंकि इसके सेट रिलेशन फंक्शन के लगभग 10-11 लेक्चर, क्योंकि सेट 3 तो प्रैक्टिस होती है मतलब सेट हाँ वो टेस्ट होगा वैसे तो कुछ हो नहीं है। ऑपरेशन ऑन सेट क्या क्या ऑपरेशन, देखिए डेल
जब आप नेचुरल नंबर, जैसे इतनी बात करूं क्लीन नंबर्स की बात करता हूं, इस पे कौन से ऑपरेशन लगते हैं अधिकतर, क्या ऑपरेशन पड़े हैं आपने, प्लस कर दिया है तो क्लीन नंबर्स, या माइनस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती है, या डिवाइड। मन ये क्या है, ऑपरेशन से प्लस ऑपरेशन माइनस, इसी तरह सेट्स में क्या ऑपरेशन होंगे, एक तो यूनियन होता है और एक इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्लियर है। तो यहाँ पे दो तरह के ऑपरेशन है, क्लियर। अब इनका मीनिंग क्या है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, ए इक्वल टू, एक साइड हमने ले लिया कोई नहीं, 2, 4, 6, ठीक है, और मान लिया बी इक्वल टू ले लो आप 6, 8, 10 और, क्लियर। अब हम ऑपरेशन किसके बीच लगता है, क्या प्लस किसी एक नंबर पे लग सकता है, एटलीस्ट क्या है, यहाँ भी कुछ संख्या होगी, यहाँ भी कुछ संख्या होगी, सर ये भी कुछ हो सकता है, मतलब यही मान लो एटलीस्ट हमें किसी भी ऑपरेशन लगाने के लिए कितने संख्याएं चाहिए, दो तो चाहिए। इसी तरह जब ऑपरेशन हम यूनियन या इंटरसेक्शन लगाएंगे, इसके लिए भी कितने सेट चाहिए, कम से कम दो सेट चाहिए। इसी तरह हमने एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया, अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाएं ए यूनियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ए संग बी, यही पढ़ाया ना आपने, वैसे तो हिंदी में तो संग बोलते हैं लेकिन यूज यूनियन ही करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, अगर हम इसका ए और बी के सारे एलिमेंट, जैसे इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि ये यूनियन बना ए यूनियन बी, उसमें इसके सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, क्लियर है। इंटरसेक्शन में कौन से आएंगे, जो एलिमेंट कॉमन होंगे 6 और, क्लियर है, जो कॉमन है। आप यहाँ अगर कोई चीज ठीक लगे तो सब नोट जरूर कर लियो, क्योंकि ये जब रिकॉर्डिंग चल रही है इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आप सुन तो, लेकिन बोर्ड मुझे लग रहा है कुछ चमक रहा है इसमें, ठीक है। नहीं, देखो अगर आपको नोट करना तो मुझे बता दिया करो, तो मुझे नोट करना है, अगर नहीं करना तो कोई इशू नहीं है। नहीं करना। इसकी सेट की सेट पावर की, सेट, पावर सेट की एम्पटी अच्छा सेट और ना एलिमिनेटर सेट की जो डेफिनेशन है, ए वेल डिफाइंड, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन COLLECTION ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। और किसको बता रहे हैं आप, पावर सेट की, ठीक है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर, क्लियर है। ए सेट, एक सेट है सर, समझ ले, मान लिया कोई सेट ए है, ए की बात कर रहा हूँ, ए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, ये ए है यहाँ पे, ये जो ए सेट बात हो रही है ये बनेगा पावर सेट, तो पावर सेट किसे कहेंगे, ए सेट या एक ए सेट, ऐसा सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, किसके सबसेट, सारे ए के जितने उप समुच्चय होंगे उन सब का जो एक सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट, क्लियर। यस सर, हो गया, लिख लिया,
सर मैंने नोट्स भी बना लिया, प्रैक्टिस मतलब जरा प्रैक्टिस करनी थी। देखो इसके लिए मैं बताता हूँ आप क्या काम कर रहे हो, यहाँ तो जितना आपको नोट करना हो वो नोट कर लिया क्लियर है। अब इसमें ऐसा लगता है कुछ चीज़ ऐसी हो सकती हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे कल मैंने ये चीज़ बताई कि आपको हो सकता है कि जगह बुक मत कहीं भी ना मिले, कहीं आपको फॉर्म मिल जाएगी, कहीं ये मिल जाएगी, कहीं मिल जाएगी, कठिन मिल जाएगी। अब ये है कि कहीं चारों होम में से कोई भी कहीं मिल जाएगी तो आप बोलो, तो ऐसी चीज़ों का लगेगा डायरी मेंटेन कर लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट आपको लगा रहे हो, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो पता लग जाता है, ऐसा लगे टाइम मेंटेन कर, ताकि कभी भी अगर आपको कोई चीज़ आए तो वहाँ से आप रिपीट करते रहो। मतलब नोट्स ना बनाओ, मतलब नोट इंपॉर्टेंट नोट नहीं बनाने, यहाँ तो रफ हो गया, घर एक डायरी ले लो 50 या 100 रुपये की आएगी जो एक लंबे समय तक चल सके, जो आपको चीज़ लग रही है इंपॉर्टेंट है तो आप नोट कर लो। ऐसी हाँ ये ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ये लिख लो ऊपर टॉपिक का नाम, ये चीज़ लिख के ये ओपन क्लोज इंटरवल पर कितना लिख के तो 4 लाइनें लिख के छोड़ दो, आगे जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी उनको नोट करते चले जाओ, अब तो प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि नोट बनाने का सब बेनिफिट है। अगर आपको पता हो कि हाँ जी हमने 100 क्वेश्चन कर लिए तो किसी इनमें से ये एग्ज़ाम आएगा, पता लगा हमने 100 क्वेश्चन किया तो हमें सही दिया, वहाँ से क्वेश्चन का तो भरोसा नहीं है ना, बस ये है कि प्रैक्टिस कर लो जिंदगी इंपॉर्टेंट नोट जो मतलब कॉन्सेप्ट हाँ वो सारे इसमें इंपॉर्टेंट ही लिखना, आप जो कंसेप्ट आपको लग रहे हैं कि नई चीज़ें हैं तो वो कर, ठीक है भाई। अब ये हमने यूनियन की बात की, अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखते हैं जो एलिमेंट आई है यूनियन जी में, या तो ये एलिमेंट इसके जो एलिमेंट है टोटल ए में है या किसमें है, ठीक है 6 और 8 ए में भी है और बी में, तो यूनियन ऑफ टू सेट ऐसा होगा कि जो उसके एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑफ यूनियन सेट आइदर बिलोंग टू ए और बिलोंग टू बी और बोथ, यानी कि उसका जो यूनियन के एलिमेंट होंगे या तो ए में होंगे या बी में होंगे या फिर दोनों में भी हो सकते, ठीक है। ये डेफिनेट ये लिख दिया हमने वर्ड्स में, इसमें लिख दिया वर्ड्स में लिख रहे ना, वर्ड्स में क्या है एलिमेंट ऑफ यूनियन, एलिमेंट्स ऑफ इसे लिखने की जरूरत नहीं है समझ लो, एलिमेंट्स ऑफ यूनियन सेट, ठीक है बिलोंग टू इसमें बिलोंग करेंगे आइदर ए और बी और दो, ये तो कंडीशन होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया क्लियर, थोड़ा समझा भी दिया, फिर इसके साथ क्या हुआ यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया, इसी को अगर हम सेट फिल्टर फॉर्म में लिखें, इसमें लिखें सेट फिल्टर फॉर्म में लिखें क्या लिखेंगे, इसको यूनियन को ए यूनियन बी इक्वल टू कैसे लिखेंगे X, the set of all X such that X belong to A or E. X belong to ठीक है। अगर हम बोथ वाली कंडीशन लिखते हैं बोथ वाला तो फिर ये यूनियन ऑटोमेटिक हो ही गया, तो सेट बिल्डर फॉर्म में से बिजनेस को लिख देते, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट आपको एग्जाम्पल बता दिया, सेकंड आपको वर्ड्स में यानी कि लैंग्वेज में बता दिया, तीसरा आपको किसमें बताया सेट बिल्ड, सेट बिल्ड, और फोर्थ आपको बताता हूँ मैं वेन डायग्राम, हालांकि आपको चीज़ें पता होंगी लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर दूँ, ये कोई यूनियन सेट है यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी, ये इसको काट भी सकता है अलग अलग भी हो सकता है, तो इसका जो ए यूनियन बी ए है ये बी है, तो जो ए यूनियन बी होगा वो ये वाला हिस्सा होगा, ये कौन सा होगा
सिग्नम आ गया था ना क्लियर। और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप चाहे कोई में चले जाओगे आपने पैसे जमा कर दिए, पहली बात तो आई आई टी जे भी कोचिंग है मान के चलो कम से कम 20-30 लाख रुपये का कम से कोई करते हैं नहीं पूरे साल का, जैसे तुझे पर मंथ आकाश वाला है 1.5 लाख ले रहा है एक साल, ठीक है। यहाँ पता तो क्या था, मैंने प्राइवेट कोचिंग का 80,000 मांग कौन से में दूसरी क्या है, हर आदमी 70-80 हजार देंगे क्लियर है। यहाँ पे लेकर तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ये तो कहता नहीं यहाँ पे कि आप 100% यहाँ का आपको इतना हाई लेवल मिल जाएगा कि आप क्रैक कर जाओगे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने यहाँ अप्रैल तक कंटिन्यू कर लिए, इतना बेस आपका बन जाएगा कि आप अपने आप कैसी भी बुक लेकर बैठ जाइए उससे सोल्व करने का क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप, ऐसे ही आपको समस्या नहीं आने देंगे आपके क्वेश्चन समझ। क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो क्रैक करने के लिए होती प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब कुछ क्वेश्चनों का आंसर याद हो जाते हैं, क्वेश्चन है अच्छा ही क्वेश्चन है ऐसे होगा, क्योंकि आपका जितना टाइम है ना जितना जिस केमिस्ट्री को दोगे उतना अकेला मैथ को देना पड़ेगा। अभी आप बिल्कुल अर्ली स्टेज पे, दूसरे यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, देखो मेरे जैसे ही आपके सेट रिलेशन फंक्शन का चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद देखना कि पढ़ाने से बेनिफिट है मेरे या नहीं, अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपको कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा तो यहाँ टीचर चेंज हो जाए, क्योंकि टीचर एक या दो टीचर और है जो पढ़ाते हैं, लेकिन उनके साथ ही थोड़ा ऐसा ऐसा ही हो गया था, मैंने जो है पहली बात तो कुछ नहीं समझ में आया, पढ़ के इधर उधर की बोर्ड के उससे फायदा क्या, ठीक है भाई। अब हमने जैसे यूनियन का पढ़ा ऐसे अगर मैं यहीं पे इंटरसेक्शन की बात करूं, ठीक है, इंटरसेक्शन में आपको पता ही जो कॉमन है वो आ जाएगा, क्वेश्चन तो क्लियर हुआ।
लैंग्वेज में क्या है, जहां आइदर और है ना, आइदर ए और डी, यहां पे आओगे एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट और इंटरसेक्शन कौन से होंगे, बिलोंग टू बोथ साइड, आइदर ए आइदर बी नहीं होने का, क्योंकि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो दोनों में होंगे, तो इसलिए किस में होगा, जो दोनों सेट में, इसलिए क्योंकि लैंग्वेज में होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, मान लिया ए इंटरसेक्शन बी निकालना, कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड दोनों में होगा, ठीक है। वहां क्या लिखा था हमने, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए में हो या बी, क्लियर हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। थर्ड था वेन डायग्राम, ये एक इंटरसेक्शन है, यहां तक क्लियर है, मतलब इनके बीच में बस 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 ये जो बीच का हिस्सा है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे जो भी चीज है, ये इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। मान लिया एक सेट हमने मान लिया 1 2 3, ठीक है, एक सेट हमने मान लिया बी 3 5 और 6, क्लियर है। इसको अगर हम वेन डायग्राम से दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, एक सेट तो ये हो गया, एक सेट बी हो, ठीक है, ये में कौन सा क्या है 1 2 3, और इसमें क्या है 3 5 6 3, हाँ आ जाएगा, तो 3 क्या है 1 2 3, इसमें भी हो गया ये वाले, और 3 5 6 इसमें भी हो गया। अगर कहीं ऐसा हो कि ना तो इसमें 3 हो ना इसमें यहाँ पे 3 को कॉमन ना हो, तो फिर हम वेन डायग्राम कैसे बनाएगा, 1 2 5, कुछ कॉमन ही नहीं है, दिखाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, जो कॉमन होगी वो मिडल में रहेगी, वो मिडल में रहेगा, इसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी कि कॉमन कहे में बोलते हैं, कॉमन सब जो हमारा हो गया, इंग्लिश का वर्ड होगा, ठीक, इंटरसेक्शन जो होगा ये मैथ्स की मैथमेटिक वर्ड है, वही चीज है, भी जो इंटरसेक्शन चलता है सिंपल कहेंगे करोगे कॉमन यूज कर लेंगे, लेकिन जब सेट की बात करेंगे तो वहां क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, समान मतलब इंटरसेक्शन को, जैसे यूनियन को संघ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन को, तो बोल शायद विच्छेद बोलते हैं, अब आता है कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन O, किसी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी है किनकी, ऑपरेशन की, कौन से की, यूनियन ऑपरेशन, क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्रमी ने नियम पढ़ा, जो भी पढ़े हो क्रमी ने कॉम्पिटेटिव लॉ, हिंदी में तो अंग्रेजी में कॉम्पिटेटिव लॉ बोलते हैं, हिंदी में तो अंग्रेजी में कॉम्पिटेटिव और हिंदी में क्रम भी नहीं है, पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े, पहला बोलो, क्रम विनिमय और दूसरा साचल्य, तीसरा एक होता है तब चमक नहीं है, ठीक है, एक होता है वितरण में,
ये हमने कहाँ पढ़े थे? ये आपने सेट में पढ़े हो शायद, आठवीं में तक सेट है, बीस में का है। अगर हम इनको संख्याओं पर लगा, नंबर एक का मेरा नियम क्या है? अब यहाँ ये दो जगह लगते हैं, एक प्लस पे, एक मल्टीप्लाई, ये माइनस और डिवाइड तो नहीं करते, क्योंकि उसमें फैल जाते हैं। प्लस पे लगाएंगे, मान लिया एक कोई नंबर ले लिया हमने, ए एक नंबर ले लिया, ए प्लस बी का मतलब बी प्लस ए, ठीक है। गुणा का लगाएंगे तो ए गुणा बी बराबर बी गुणा विक्रम के नियम हो गया। दूसरा आपका काचार्य नियम, काचार्य नियम क्या कहता है? अगर प्लस को लगाएं ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस, इसका कहने का मतलब ये है कि पहले बी और सी को जोड़ो फिर इसमें ए जोड़ दो। ये किसके बराबर होगा? अगर पहले ए और बी को जोड़ा फिर इसमें सी जोड़ो, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? ये ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी, यानी कि पहले बी सी की गुणा करें तो इसमें ए की कर दो, या पहले ए की गुणा करके सी कर लो, दोनों बराबर है, ठीक है। तत्समक नियम, तत्समक नियम का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कार्ड देखिए आप, बना होगा आपका, यहाँ का बन गया होगा, चलो बन जाएगा पहचान पत्र, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड भी तो जो पहन रहा उसी का ही तो है, यानी कि उसी के समान है, समझे एक तरह से, मतलब उसी का है। हाँ मतलब उसी के समान मान लो। अब इसमें क्या है कि अब ए में हम क्या जोड़े कि वो ए ही आ जाए, जीरो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि योज्य तत्समक, योज्य मतलब जो जोड़ के आ रहा हो, योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी। अब ए में किसकी गुणा करेंगे? ए ही आ जा, ये क्या हो गया? ये हो गया मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जो योज्य प्रतिलोम है, नहीं योज्य तत्समक है, और ये ठीक है। यहीं पे ही एक और बता दो प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की, इनवर्स का मतलब प्रतिलोम, क्या होता है प्रतिलोम, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में इनवर्स। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक। लेकिन यहाँ इनवर्स का मतलब वो उल्टा नहीं है, यहाँ जब हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें कि ए का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए होगा, यानी कि ए में क्या जोड़े कि जीरो आ जाए, यानी कि जो आइडेंटिटी ये क्या है एडिटिव जीरो क्या है यहाँ पे जीरो एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है ना, यानी कि एक ऐसा है ये नंबर जिसको किसी में भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है, ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अब तो ए में यहाँ एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, तो जीरो किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि जीरो आए, मतलब दो है दो में तो माइनस दो कर दो, यानी कि माइनस दो अगर उसमें जोड़ दें तो जीरो हो जाएगा, चार है चार में अगर माइनस चार जोड़ दे क्या देगा जीरो, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई इसकी, ये क्या नाम ए का इनवर्स क्या हुआ माइनस ए, ए का इनवर्स माइनस ए, इसने जीरो कर दिया। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, ए में किसकी मल्टीप्लीकेशन करेगी वन आए, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है वन है, तो ए में किसकी मल्टीप्लीकेशन करेगी वन आ जाए, वन अपॉन इक्वल टू वन, तो ए का जो इनवर्स है वन अपॉन ए, ए का दूसरे इसमें इनवर्स कितना है माइनस, यानी कि
जो एडिटिव इनवर्स है योज्य प्रतिलोम को और इसमें योज्य प्रतिलोम माइनस ए गुणात्मक प्रतिलोम वनप, क्योंकि कुछ जगह यहाँ मैंने कंपेरेटिव इसलिए बता दी क्योंकि चीजें फिर कहीं आगे जाकर कंफ्यूज कर देंगे तभी एडिशन बग। अब बचता है हमारा वितरण नियम, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं? वितरण का मतलब ये बांटता है, वितरित करने का मतलब यही तो हो वितरण बांटना। क्या बांटता है भाई देखो, अब यहाँ ये किसी सिंगल साइन पे नहीं चलता है, इसमें क्या चलेगा, इसमें दो तरह से होगा, गुणा का जोड़ पर वितरण, इस पर वितरण होगा जोड़कर, यानी कि गुणा को जोड़ में बांटते जाओगे, जहां भी जोड़ का साइन होगा वहां बांटते थे। दूसरा होता है जोड़ का गुणा में वितरण। अब कैसे होगा, अगर ये है ये जोड़ है जिसका वितरण होगा वो बाहर आएगा, तो गुणा का जोड़ पर वितरण कैसे करेंगे, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, हो गया ना वितरण। यस सर, यानी कि जिनके साथ प्लस का साइन लगा था उन्हीं के साथ तो वितरण कर दिया गुणा ना हमने, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव बात। यस सर, प्लस ये दूसरी जो हमारी है जोड़ पर गुणा का वितरण, वो कैसे हो जाएगा, अगर ए प्लस ए प्लस बी इंटू अगर सी हो, इसको हम ए सी इंटू प्लस बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से और लिख लो आप इसे, ए प्लस बी गुणा अगर सी है तो क्या लिख सकते हैं, ए गुणा बी नहीं, ए प्लस बी गुणा ए प्लस ठीक है, ए प्लस बी गुणा सी है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी गुणा ए प्लस सी, शायद इसका सिंगल ही होता है, ये वाला होता है, वो यूनियन इंटरसेक्शन में चले जाते हैं दोनों होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन, यहाँ इसमें नंबर्स में नहीं होगा, ठीक है। ये तो नहीं पढ़ाई होंगी, तुम्हारे में तो होती होगी, मैं एक्सीडेंट पर कॉलेज में पढ़ाऊँ, एक्सीडेंट पर कॉलेज इस चीज़ के लिए नाम पर उनको पढ़ाई नहीं होती, हमने तो सेल्फ स्टडी सर पर था सारा का सारा, यही जो हमारे हाँ एक्सीडेंट पर कॉलेज यहाँ कहते थे क्या रहने को, बहुत समय मेरे ट्यूशन के पास नहीं करते थे, हमने कहा मेरा ट्यूशन के पास होंगे, आप बेटी में जब मेरे अलेवेंथ का मार्क्स आए ना अंदाजा लगा सकता है इतने मार्क्स हमारे यहाँ 50-50 के दो पर लिए थे मैथ के, जिसमें मेरे 50 मार्क्स थे इसमें 49 थे, 99 मार्क्स आए थे अलेवेंथ में, हाँ ट्यूशन तो पढ़ी वहाँ पे लाइव में पढ़ी ट्यूशन कर दी, जितने भी कॉम्पिटिशन दिए कभी कोचिंग नहीं लगाई कभी, कोचिंग लगा लेते तो फिर पता नहीं कहाँ होते, बिना गाइडेंस के नोट ये गाइडेंस ही देना था कि मैं ये नहीं बताता कि क्या भी मिलेगा साइंस साइड देंगे या अदर साइड देंगे, बस ये था कि मैथ लेना मैथ नहीं लेना, अब मैथ साइंस साइड में होता था तो उसके लिए देते थे, मेरी जो 96 हाई स्कूल है वो 96 की है यूपी बोर्ड, अगर किसी के मुँह से सुना हो आपने यूपी बोर्ड के उस टाइम में कि नंबर कैसे रखते थे, आपको सुने तो हो जितने भी, यस सर सेकेंडरी नंबर बहुत कुछ हो जाती है, ठीक है। उस समय में मेरे मार्क्स 72.5% थे, और बात मैथ की करूँ तो मेरे 87 मार्क्स थे एंटर में, मैं अपने टाइप का सेंटर टॉपर था, कॉलेज भी छोड़ दो जहाँ मेरा सेंटर लगे हुए थे 4-5 बोली का सेंटर थे वहाँ मैं सेंटर टॉपर था,
एसडी इंटर कॉलेज में यहाँ 300 बच्चे थे, फोर्थ रैंक में दिए, मतलब क्योंकि और बच्चे चैप्टर पर ट्यूशन में पढ़ते थे, मैं तो कोटी में पढ़ता हूँ। एकेडमी हाँ इंटर की मेरी परसेंटेज है उस टाइम 68.4, बीएससी 69, एमए प्राइवेट किया मैं इससे, उसमें 69.5 था ये मेरा एवरेज रहा। हमारे टाइम इंटरनल स्कूल पे बस एक बायोलॉजी का और एक साइंस के, इसके प्रैक्टिकल होते थे 20-20 मार्क्स के, और मार्किंग अगर हमारे यहाँ क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत है, पूरा क्वेश्चन पूरा कुछ भी कोई मतलब नहीं, जीरो है मैथ में तो नंबर पूरे है जीरो, ऐसे नहीं मिला कर रहे थे कि अब क्या है, अब आप पहले 5 नंबर का क्वेश्चन है आंसर ही गलत था, बाकी कैलकुलेशन से 4 नंबर दे देंगे, हमारे टाइम पे उसमें जीरो मिलता था। इंटरसेक्शन ऑफ सेट आपको बता दिया हमने, ठीक है भाई, अब आ जाओ आप सम प्रॉपर्टी एक्सटेंड प्रॉपर्टी के यूनियन की तरह, आज भी लिखा था मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन यूनियन, ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है आपको पता होना चाहिए, मैं तो बुक में देख कर और जो डायरी बता रहा ना इम्पोर्टेंट उसमें लिख लिया, ठीक है। एक सबसे पहले होती है, हाँ बुक से पढ़ा रहा, जो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें बुक्स में मिलती है, ठीक है। फर्स्ट है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम बोल देते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ए का बी से यूनियन करो या बी का ए से यूनियन करो दोनों इक्वल रहे, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, कौन सी है एसएसटी, आचार्य तो भूल जाओ बता दिन और पढ़ते आचार्य, अब फिर भी तुम ध्यान रखते, ठीक है। तीसरी है एसोसिएटिव, ए डबल एस ओ सी आई ए टी आई बी ई, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ये आप देखो आपका ए यूनियन फाइव, अगर फाइव के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा भाई जिस है ही नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइव इज द आइडेंटिटी, फाइव इज द identity of ठीक है। अब यहां जाओ, यहां पे मैं लिखा ए के साथ हमने यूनियन का ऑपरेशन लगाया और ए ही आ गया, किसके लगाने से लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोल दिया, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एडिशन में भी आई थी, वहां पे फाई क्या है, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू यूनियन में, ये तो फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन में जब हम सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ, आप मान लो एडिटिव, एडिशन ले लो या एडिटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक, यानी कि जीरो फाई तो सेट में आइडेंटिटी का काम कर रहा है, यानी कि फाई को किसी सेट के किसी भी सेट के साथ यूनियन कर लो वो सेम वही सेट आ जाएगा, तो फाई क्या हो, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन की जब सेट की बात कर रहे हैं। अब जब नंबर की बात करेंगे, नंबर में आइडेंटिटी दो है,
कौन से? एक तो जीरो है, कब? जब एडिशन कर रहे हैं नेचुरल नंबर का, एक वन है जब, एक वन है जब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, समझ गए? दुनिया की किसी किताब में ना तो इकट्ठा मिल जाएगा ना कंप्यूटर आज तक नहीं पढ़ा करना, ये चीजें सारी जिंदगी में कंफ्यूज ही करता है आदमी, क्लियर है? जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर नेचुरल नंबर, या आप नंबर्स लिख लो, चाहे होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, या रियल नंबर है, कोई सा भी है, ठीक। और वन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर नंबर्स, और फाइव सेट्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी फॉर आइडेंटिटी, ठीक है। और मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन, किसमें? इसमें सेट में तो दो ही सेट हैं, तो यूनियन है, इंटरसेक्शन, दो ही ऑपरेशन है। जैसे नंबर्स में कितने ऑपरेशन हुए? नंबर्स में आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और ये है, ये तो किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो करने को तैयार नहीं है, बचे बेचारे दो ही है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्लस के लिए ये हो गया और ये हो गया, और सेट्स में तो ऑपरेशन ही दो है, इंटरसेक्शन और यूनियन, ठीक है। अब आइडेंटिटी की बात चल रही, किसकी बात हुई? यूनियन पे, इंटरसेक्शन पे हो सके आइडेंटिटी ना निकले, क्यों नहीं निकलने की? क्योंकि ए का किसके साथ इंटरसेक्शन ले कि ए ही आए, बताओ ए का किसके साथ इंटरसेक्शन ले कि ए ही आए, एक ही रास्ता है, ए ले ले, यानी कि अगर कोई आइडेंटिटी है तो वो इटसेल्फ ही है, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट हमें मिलने से रहा, या क्या ले ले कोई यूनिवर्सल सेट ले ले, तो तब ए आ सकता है, हमने तो हमें एक ही जरूरत है यूनिवर्सल की, कोई इस तरह का एलिमेंट नहीं मिलने का कि फाइव जैसा कोई मिल जाए, वो यूनियन के लिए है, ठीक है। दूसरा है एक फोर्थ नंबर ए यूनियन ए इक्वल टू ए, ठीक है। ए की ए के साथ यूनियन लेंगे क्या आएगा? ए, इसको बोलते हैं आई डैम ओ टेंट लॉ, क्या बोलते हैं? आई डैम ओ, हाँ इसे अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि कल आपके ये डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में भी आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर? मतलब आइडेम्पोटेंट का मतलब यही है कि हमने जैसे होता वैसा ही आ गया, जैसे का यूनियन करा ना वैसा ही आ गया। हिंदी इसके ऊपर देख लेना, हिंदी मुझे पता नहीं इसके था, मेरे पहले ध्यान था, नहीं पता मुझे। फिफ्थ है यूनियन यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू यू, होगा क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसको बोल लेंगे ला ओ यू, यानी कि यूनिवर्सल ला ओ यूनिवर्सल, नोट कर दो। एक तो जो तीनों चीज मैंने इकट्ठी लिखी है, ये डायग्राम जो भी अपने हिसाब से, मतलब ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
एक बात मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपका यहाँ ये 11th 12th का मैथ भी अच्छी तरह से रिकॉल हो गया ना, मतलब इसको आपने मेहनत कर ली बढ़िया तरह से, आपको कोचिंग थी मैथ की जो थोड़ा दी हो तो देखकर, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो जाएगी, आप सेल्फ स्टडी से भी कोई सी बुक पढ़ सकते हो और आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है ना, जिस दिन मैं ये कहूँगा ना आपका कि सेट कम्प्लीट हो गया 12th लेवल को, उस दिन आपको इंजीनियरिंग की बुक उठाकर देखना और उससे क्वेश्चन करना, या उसमें जो कंसेप्ट है टोटल जितने हैं ना वन बाय वन जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा यही कंसेप्ट मिलेंगे सारे इंजीनियरिंग की बुक में, टोटल यही कंसेप्ट है सारे, क्वेश्चन का लेवल हायर होगा, नई चीज कुछ नहीं, क्योंकि नया कंसेप्ट आ जाएगा कुछ नहीं आएगा। अगर यहाँ आपने वीक छोड़ दिया तो कुछ, अब देखो लैंग्वेज हार्ड का मतलब क्या है, आप हिंदी मीडियम भी इंग्लिश आपकी समझ में नहीं आती मैं मानता हूँ, लेकिन अगर तो कंसेप्ट आपको पहले थोड़ा ही पता है आगे वो डिस्कस करेगा आप इसमें बात करते चले जाएंगे, क्लियर है? और जब जैसे तो सर जैसे मैं नहीं पढ़ रहा था लेकिन इतना अच्छे से नहीं पढ़ रहा था, अब आप इसे पढ़ लोगे, आप इस कंसेप्ट को किसी भी इंजीनियरिंग बुक से पढ़ के देख लो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। कंसेप्ट आपको सारे यही मिलेंगे, थोड़ी बहुत ही चीजें और बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता, मान लिया आप बुक पर उठा लेंगे इंजीनियरिंग की और ये चीजें पता नहीं, तो फिर तो ऊपर जाएंगे उनका पता भी लगने का, दो चार बार देख लियो फिर तैयारी करने की। अब आज की कोचिंग सेंटरों में क्या हो रहा है, जो 11th 12th या कोई 9th 10th पढ़ा रहे कंसेप्ट भी बताते हैं, जरा सा हल्का सा पढ़ाऊंगा, हल्का सा नाम मात्र का और क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं, उनके बेस खत्म है। जबकि बी एस सी मेरी 2001 की थी, 6 साल बाद किया और लगभग जो फॉर्म निकल गया था बी टेक सेकेंड ईयर में एडमिशन होना था, उस टाइम उसका नाम यूनिवर्सिटी था और फिर जेई के नाम से होगा उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से, मेरी रेंक 18 थी जनरल 18 जो यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज है एसटीआई, इसको लगभग आईआईटी के इक्विवेलेंट मानते हैं, आईआईटी कैंपस लखनऊ, ये सारे कॉलेज मुझे मिलते थे, हमारे सारे कॉलेज भी थे आईआईटी का, ये उसका है जरूर की वाली का, हां ये इसको बोलते हैं आईपीपीटी इंडियन पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, जैसे शॉर्ट में लोग इसे आईपीटी बोल देते हैं, आईपीटी है लेकिन पूरा है आईपीपीटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, ठीक है? पल्प पेपर का मतलब आपका जो ये स्टाम्प लगते हैं ना, स्टाम्प है या आपके विधानसभा लोग ये लोकसभा में राज्यसभा में जो वहाँ पेपर यूज होता है वो तो सारा यहीं से डिजाइन है, ठीक है? यहाँ क्या होते हैं, यहाँ बच्चे करते हैं अगर एम टेक, जो इस ब्रांच से पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी में जो एम टेक करेंगे, जो आईआईटी रुड़की से आते हैं वो बच्चे आते हैं यहाँ पे सारे, हाँ कोई नहीं आता, ऐसे ही प्रॉपर्टी आपकी इंटरसेक्शन में है, वहाँ यूनियन का या इंटरसेक्शन की कॉम्पिटिटिव भी होगी, एसोसिएटिव भी होगी, यहाँ पे बस एक लॉ और जुड़ गया, जैसे वहाँ लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या था, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए आ गया था लॉ ऑफ आइडेंटिटी, और जैसे फाई ये क्या था आइडेंटिटी फॉर यूनियन के थ्रू, यहाँ इंटरसेक्शन में क्या हुआ, उन्होंने इंटरसेक्शन में थर्ड इतना दे दिया, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा फाई और यूनियन इंटरसेक्शन ए क्या होगा ए, ठीक है? इसको सीधा बोल दिया, इसको तो बोल दिया ला ओ फाई और इसको बोल दिया ला ओ यूनियन, इसका यूनिवर्सल भाई, यूनिवर्सल सेट का अगर ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ए ही आएगा और तो कुछ नहीं आने इसका, तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल का है और ये लॉ ऑफ फाई, ठीक है?
इसी तरह आई का इंपॉर्टेंट लॉ है कि ए यूनियन ए बराबर ए, तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर भी ए, ठीक है। और एक है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन आवर, किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसका वितरण कर रहे हैं, इंटरसेक्शन का, किसके किसके ऊपर, यूनियन की। अगर ऐसे लिखता है ए इंटरसेक्शन बी सी, किसका वितरण करना है इसको, समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑवर यूनियन, तो पहले ये ए के साथ यूनियन है तो ये दोनों के साथ जुड़ जाएगा, दोनों आ गया, ठीक। उसके बाद फिर ये ए और सी के बीच में रहेगा, और जो यहाँ बीच में है वो यहाँ बीच में रहेगा। इन साइन का विशेष ध्यान रखना, कहाँ क्या आना है, जिस साइन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा, कहाँ रहेगा, जैसे वहां नंबर्स का क्या करा था, ए गुना बी प्लस सी था, ठीक है, इसको क्या लिखता था, ए गुना बी प्लस बी ए सी, ये किया था ना, यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ब्रैकेट में होगा। अगर हम इसको वेरीफाई करें ला, तो सपोज करो इसकी वैल्यू टू है, इसकी थ्री है, इसकी फोर, थ्री और फोर कितना हो गया, सेवन, सेवन टू क्या कितना आ गया, फोर्टीन। ए की वैल्यू कितनी, टू और थ्री, ये कितना आया सिक्स, ए की वैल्यू टू और इसकी कितनी होगी, ये कितना आया एट, एट और सिक्स कितना आ गया फोर्टीन, इसका मतलब ये हमारा बा, ठीक है, क्लियर है। इतनी देर बैठा होगा पढ़ाने में, पाँव में भी दर्द, पैरों में भी दर्द, हालत खराब हो जाती है, बस क्या बता। आपके फादर की कितनी एज है, आपके फादर की पहले से हमें इसलिए करना पड़ेगा, मतलब फिर एडवांस के लिए मेंस एक ऐसा है जो मेंस के लिए कई मेंस, अगर आपको क्वालिफाई हुआ तो आपको इंजीनियरिंग दो ही चीज मिल जाते हैं, एडवांस होता है आई आई टी, मतलब आई आई टी में लेना है उसे एडवांस सेलेक्ट करना पड़ेगा, और एडवांस में भी दर्तव्य मान के चलेगा, तो मुझे पता है कि एक सवाल आप बच्चे देखते हैं एडवांस, ठीक है, दस सीट है 10,000, एडवांस की जो सीट है 10,000 एस सी कैटेगरी में होगा। अगर तुम मेहनत करते रहे तुम सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर जाओगे, क्योंकि मेरिट बहुत काम करती है एस सी, जनरल में बहुत वैल्यू रखता है एस सी में, तो बेटर लेकिन आई आई टी के लिए दो चांस तो मिलते हैं। यस सर, जब तो ये सबसे बड़ा इशू कर दिया था उन्होंने, सबसे ज़्यादा नीट के लिए तो यह है कि कितनी भी बात होगी, नीट में तो एक आम आदमी से जाना बेकार है, नीट में से कहता है जिसकी बैकग्राउंड मेडिकल है, जिन पर करोड़ों रुपए कल के लिए खोल कर बैठ गए,
लेकिन आप जो है अगर मान लिया बाई दैट एडम, क्योंकि देखो मन चाह कुछ नहीं होगा, अगर हम सोचते हैं ना कि हो जाए जी हो ही जाए, जो नहीं होता नहीं होता है, दो चांस है, एक यह है कि इससे नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, दो ही चांस है ना, ठीक है उनमें होता है, ठीक है नहीं कहीं भी अपना किसी भी कॉलेज में जहाँ थोड़ी कम फीस हो ना बीटेक कर, एक पीरियड के बाद कोई नहीं पूछता किस कॉलेज से, फिर एक्सपीरियंस काउंट होता है, और बंदे में अगर क्वालिटी है ना उसको सिर्फ एंट्री की दिक्कत होती है किसी भी कंपनी में, वो अपनी इमेज को खुद बना सकता है, वो ठीक है IIT का नाम है भाई, IIT में अगर कोई चलेगा तो सीधी बात है कंपनी कम से कम आपकी आज की तारीख में 25 लाख रुपए का प्लेसमेंट को कम से कम देगी, इससे कम का देने, लेकिन वहाँ जाना तो ठीक है चले भी जाते हैं हो जाते हैं, लेकिन वहाँ का पलटन मेहनत का आसान नहीं होता, वहाँ पागल कर दें आदमी 8-8, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई रहे, अगर उनके प्रोजेक्ट वर्क इतने हो मतलब पूरे दिन आदमी हालत बिगाड़ दे, स्पीकर देख लेते हैं कोशिश बटेगी करो, अगर ना मिले तो ये भी नहीं है कि छोटे को छोड़ कर बैठ जाओ, और बेकार हो जाता है, इंजीनियरिंग तो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं यार, इनके बारे में तो मुझे अब ट्वेल्थ नहीं कर रहा है, चला था इसके बारे में IIT तो IIT में टैग, एक्चुअली मैं बता रहा था ना क्या है, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग बोली प्राइवेट भी है लेकिन वहाँ फीस दो दो ढाई ढाई 3-3 लाख एक एक साल की है, वही चीज है नहीं इतनी तो नहीं खैर, लेकिन अगर एक एवरेज स्कूल के हिसाब को देखो तो आपके लिए इतना एजुकेशन लॉन्ग हो जाता है, अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी है ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक आपको दिखाया बी यूनियन सी, यहाँ दिखा रहे हैं रेड इंटरसेक्शन बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिखाना इसमें, इसमें आपका ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, कितने देर का लेक्चर हो गया, 1 घंटे का लेक्चर, देखो तीन सेट है ABC बी यूनियन सी कौन सा सेट होगा, बी सारा ये रहा और सी सारा, तो बी और यूनियन सी में क्या है ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये सारा क्या होगा बी यूनियन, क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी, ये सारा क्या है ए है, और ये दोनों में कौन पार्ट करता है, क्लियर है, जब इस तरह का होगा देखो हमने मैथ्स में पढ़ा है बोर्ड मार्क्स पढ़ा, बी का मतलब ओ का मतलब ओ, इसको हिंदी में बोलते हैं का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबट्रैक्शन, इसी तरह इसमें भी है सबसे पहले ब्रैकेट में ही काम करता है, इस पे करना सबसे क्या पहले क्या निकाल लें, बी यूनियन
ठीक है। अब किसके साथ इंटरसेक्शन लेना, ये तो ये रहा सारा, ये इतना तो कॉमन कौन सा आएगा, ये तो होगा ना, बी यूनियन सी, ये दोनों ए कितना इतना लिया, इंटरसेक्शन कौन सा आ जाएगा, क्लियर? ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी ये होगा। अब पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, ये है ए इंटरसेक्शन सी, कौन सा है, दोनों का क्या पूछ रहा, कौन सा होगा, ये आएगा ना ये वाला यूनियन दोनों का, अगर ये तो यूनियन हो गया, अगर यहाँ से जगह इंटरसेक्शन लगा लो कौन सा हिस्सा आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, क्लियर हुई चीज है। बुक ले लिया एनसीईआरटी की, क्या बात, दुकान से लिखते पापा को कहूँ, टाइम नहीं लग रहा पापा को, मैं तो पापा को ना कानपुर आ, हाँ ये भी तो काम करते हैं, मैं लाल को नहीं, क्या काम करते हैं, वो पोस्टमैन, हैं पोस्टमैन कहाँ पे, नलाल से, नलाल कॉलेज गवर्नमेंट से आएगा, गवर्नमेंट नहीं है चलो प्राइवेट ही, इधर मोनालाल डिग्री कॉलेज में मैं इधर तो करते हैं, तो कितने पैसे दे रहे हो और तो दिल में रहना पड़ता है, तो अपने आप जाकर ले लियो ना बुक, यहाँ से बाहर निकल गए शायद हंस वाले कहीं मिल जाएगी, ज्यादा मटिया मैर ले लियो जाती है, तो बात करते हैं डिफरेंस ऑफ साइड, दो सेट का डिफरेंस कैसे करें, मान लिया एक सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 ठीक है, एक सेट बी बराबर 4 5 6 7 डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस ए माइनस बी 6 7 नहीं 5 5 ए माइनस बी क्या होता है, किसको घटा रहे, बी बी के जो एलिमेंट इसमें है उन्हें हटा रहे, बी के कौन कौन से एलिमेंट इसमें है, 5 अच्छा और 4 और 1 2 3 6 7 अच्छा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए में से कम कर रहे हैं ना, बी कम कर रहे हैं, तो बी का मतलब क्या है, बी के जो एलिमेंट है इसमें ए में कॉमन है और बताने हैं निकालने हैं, मतलब ए में जो बी में है बाकी से में कोई मतलब नहीं है, अगर यहीं पे बी माइनस हुई तो क्या है, बी माइनस हुई 4 5 तक जाएगा 6 7 आएगा, क्लियर होगा, ए माइनस बी जिसको घटा रहे उसके जो एलिमेंट कॉमन है उनको हटा दे, बी माइनस ए में भी जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा देगा बी के तहत, ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे ए माइनस बी और बी माइनस ए यहीं पे एक लगा देता हूँ मैं, एक इंटरसेक्शन बी क्या आया,
तीनों को डिफरेंस देख रहे हैं आप, ए माइनस बी, बी माइनस सी, इंटरसेक्शन बी क्या इसमें कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट है क्या? इन्हीं दो सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है ना? एक तरह एक सेट ही हो गया, एक सेट ये हो गया, एक सेट क्या किन्हीं दो सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं है ना। इसका मतलब ये सारे के सारे सेट कैसे हैं? अलग अलग है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। पढ़ा हुआ है तो डिसजॉइंट सेट। खैर हिंदी में कुछ विसंधित समस्या बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट उसको बोलते हैं जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। मान लिया एक सेट में एलिमेंट दो और तीन होंगे, दूसरे एलिमेंट में क्या हो गए? चार और पांच। ये कैसे हैं? डिसजॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे ना बोल दिए ये डिसजॉइंट, ठीक है। यानी कि अगर तीनों का इंटरसेक्शन लू तो क्या आएगा? पाई आ जाएगा, तो कोई चीज कॉमन नहीं। ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट ए माइनस बी, नहीं सी की तो बात नहीं है, तो उससे काम चलेगा। ये ए हो गया और ये ए माइनस बी को क्या होगा? ये जो इतना हिस्सा है ए वाला, यानी कॉमन वाला तो हट जाएगा ना, कौन सा आएगा ए माइनस? क्या है ये हिस्सा? ये हिस्सा कितना क्या होगा? जो ये क्या होगा? बी माइनस बी छोटा हिस्सा क्या होगा? तीनों चीजें अलग अलग है ना, डिसजॉइंट। और जो ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए कर दू तो क्या ये ए यूनियन बी आ जाएगा? इतना हिस्सा है माइनस बी है, ये वाला हिस्सा तो ये हो गया, इंटरसेक्शन वाला हिस्सा बीच का हो गया, और ये बी माइनस ए वाला ये हो गया। अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूं, एक तरह यूनियन का मतलब सारे इकट्ठे कर दूं, तो क्या ए यूनियन बी बन जाएगा? भाई सारों को अगर सारे को उसको जोड़ दूं, मैं सारा हिस्सा कौन सा हो गया? तो क्या हो गया? ये पता क्यों बताया? जब आगे हम थ्योरम प्रूव करेंगे कोई या फार्मूला करेंगे वहाँ ये यूज होगा। अब मैं आपको ये लिख के बता देता कि इसके बराबर ये है, क्या समझ में आ जाता? कहाँ से समझ में आएगा? ये डायग्राम मतलब इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको कुछ। अब जब थ्योरम करोगे वैसे तो फिर देखो हमारा जो मैथ है वो अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त, क्या है अमूर्त मतलब जिसकी कोई चेहरा नहीं दिखाई नहीं देता सामने, कुछ नहीं है, पीछे जाके सोचना पड़ता है। अब ये डायग्राम है आपको, ये इससे ये चीज समझ में आ गई, इससे ये चीज समझ में आ गई। अगर एक शिक्षा सेवन क्लास का बच्चा है उसके लिए क्या है? जो ए बी इस तरह पता होगा, जो ए बी हो गया, अरे ये एक ये तो कार्टून लगेगा या चित्र लगेगा, लेकिन जब आपको पता है तभी तो आपने समझ में आया ना। डायग्राम बहुत जरूरी है, ये नहीं किसी सब्जेक्ट के लिए। ठीक
कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ टाइप, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये है, सपोज करो एक यूनियन सेट है, यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, एक सेट ए ले लिया हमने 1 और 2, तो हमें लिखना ए का कंप्लीट, इसको ए टी लिख सकते हैं और ए डैश भी लिख सकते हैं। ए का कंप्लीमेंट का मतलब, चलो अपने छोटो बार बार में बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा था मैं, हिंदी में बोलते हैं इसको पूरा पूरा कौन किसको कहते थे, मतलब जैसे मैंने तो अगर एक हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये कितना है 90 डिग्री, ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है, दो कोण ऐसे जिनका एडिशन या योग कितना हो 90 डिग्री, तो अल्फा बीटा का पूरा होगा, बीटा अल्फा का पूरा होता है, एक होता था कोटि पूरा, दो ऐसे एंगल जिसमें एक दोनों का योग कितना होगा 180। अपने जब आप पढ़ोगे डायग्राम में पढ़ा होगा आपने, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, यहाँ मैं एंगल लगा दू, ये बना दू या कहीं भी बना दू, ये अल्फा है ये, तो अल्फा बीटा कोटि पूरा है, तो पूरा कोण है, क्यों है दोनों का योग 90 डिग्री, ये है, ये कैसे कोण है कोटि पूरक, ये संपूरक है, ये कोटि पूरक, इसको कोई लाइन ड्रॉ करके ये अल्फा बना दो और ये बाकी बीटा, ये दोनों कोण कैसे हो गए कोटि पूरक और ये संपूरक, संपूरक में 90 डिग्री कोण और ये पूरक, यानी कि एक का उल्टा, अगर अल्फा आएगा तो अल्फा का कोटि पूरक क्या हो गया बीटा, यानी कि 180 माइनस अल्फा, अगर संपूरक की बात करूं अल्फा और 90 माइनस अल्फा, देखो संपूरक का मतलब क्या है, संपूरक का अपने माइंड में मान लो कि 90 डिग्री है ठीक है, तो अल्फा का संपूरक मतलब 90 माइनस अल्फा, भाई एडिशन तो 90 से प्लस नहीं होगा, और कोटि पूरक का मतलब 180 माइनस अल्फा, क्लियर हो गया। इसी तरह कंप्लीमेंट, यू 1, 2, 3, 4, 5 है, ए 1, 2, 3, तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा कि इसमें जो नहीं है इसे छोड़कर बाकी सारे, अल्फा का कम्प्लीमेंट क्या था, पूरा कोण को कम्प्लीमेंट्री बोलते थे, अल्फा का कम्प्लीमेंट्री वही था जो अल्फा में नहीं है, अल्फा का कम्प्लीमेंट्री वही था जो अल्फा में नहीं है, तो ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा जो ए में नहीं है, ए में नहीं कौन से नहीं है, तो ठीक है, टू थ्री फोर फाइव, हाँ फाइव बोल रहे थे, नहीं 3, 4, 5 क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आएगा, डायग्राम में समझ दो आप, इसमें कोई एक सेट ए है, ये देख लिया हमने, ये तो यूनिवर्सल सेट है ए, ये हो गया और कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ उसका, ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए डैश हो गया, सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट्री, बाकी सारा क्लियर, इतना तो सेट में पहले पढ़ा होगा या पढ़ाई नहीं कुछ इस तरह की, रिप्रेजेंट आपको बता दिया कि इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सी लगा दो, ठीक है, कल इसका जहाँ तक उम्मीद है ये पूरा हो जाएगा आपका सेट से, फिर वो कुछ करा दूंगा कुछ एक, फिर मैं उसके बाद कराऊंगा रिलेशन है और फंक्शन, देखो आपके मान पर जगह जहाँ तक दो भी बेहतर से 11 लाइक करें, ठीक है, यही आता है अगर इस सेट को आपका बेस कंप्लीट होता है तो यहाँ तक 11 लाइक करने के बाद में इंजीनियरिंग पे कुछ शुरू करते हैं, नहीं था मजबूरी है कि कंसेप्ट जरूरी है, लेकिन मैं जा रहा हूँ भविष्य में आप लिखते मिलने में ही है, अब अगर अपने आप को पढ़ सको, अब इसमें से अब आप अपने आप बता दीजिए 10-11 लेक्चर में से
लेक्चर में भी कराऊं और कितने में आप खुद देख लो। मान लिया जैसे आज थर्ड लेक्चर, सात लेक्चर, छह सात बताए कि बेसिक, क्योंकि जितना समय यहाँ मिलेगा उतनी ज्यादा डिस्कशन होगा, जितना कम समय मिलेगी फिर क्या जाएगी कुछ बता बता कर मोटा मोटा भी यहाँ जाएगा। तो अब आप ये देखो कि कितने लेक्चर में आप बेसिक पढ़ना चाहोगे, कितने लेक्चर में थोड़ा जेई का पढ़ना चाहोगे, क्योंकि एक्चुअल में जहाँ ये 11 लेक्चर, जहाँ ये लेक्चर चल रहे ना 10 से 11 टॉपिक्स का, अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे एक महीना जेई पढ़ाया जाएगा। क्योंकि छोटे देखो यहाँ अपना गवर्नमेंट का स्कीम, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कि ऐसा जरूर कर दूंगा कि आप किसी भी रेस में दौड़ दो, अपने पैरों पर दौड़ पाओ। मैथ यहाँ पढ़ने के बाद अप्रैल तक आप पढ़ो, आपको कोच मैथ के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ने लगी, चाहे आई आई टी यही कुछ ही पढ़ो, चाहे एडवांस करो भाई हेलमेट, व्हाट द मैटर, क्या बंद कर देगा।